हेलो नमस्कार, मैं हूं आपका भाई शारिक और आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज। तो आइए बढ़ते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की हेडलाइंस पर। राहुल गांधी बोले, देश को बर्बाद कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, जल्द टूटेगा भ्रम। बिहार में बाढ़ से हाहाकार, हजार से ज्यादा गांव डूबे, जानिए किन इलाकों में खतरा बरकरार। दो हफ्तों में खिलाड़ियों के 4 कोविड टेस्ट, 6 फीट दूर बैठेंगे कमेंटेटर, आईपीएल को लेकर ऐसे तैयारी। 3 साल में ही गहरे संकट में फंसा जीएसटी, राज्यों को मुआवजा देने के लिए केंद्र के पास पैसा नहीं। यूएस कांग्रेस कमेटी का प्रस्ताव, युवाओं को पढ़ाए जाएंगे महात्मा गांधी के विचार। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरों की हेडलाइंस। अब खबरें विस्तार से। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, बोले मोदी पर देश का भ्रम जल्द ही टूटेगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल ने गुरुवार को ट्वीट करके कहा कि मोदी देश को बर्बाद कर रहे हैं। नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना महामारी में दुर्व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और रोजगार का सत्यानाश, उनकी पूंजीवादी मीडिया ने एक मायाजाल रचा है, ये भ्रम जल्द ही टूटेगा। इससे पहले राहुल गांधी ने राफेल खरीद को लेकर मोदी सरकार से सवाल पूछे थे। उन्होंने पूछा था कि प्रत्येक विमान की कीमत 526 करोड़ की बजाय 1670 करोड़ क्यों दी गई, 126 की बजाय सिर्फ 36 विमान ही क्यों खरीदे, एचएएल की बजाय देवालिया अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया। मानसून जिस तरह संकट बनकर डटा है, वो अभी बड़ी तबाही की ओर से इशारा कर रहा है। बिहार, असम, बंगाल समेत कई राज्यों की तस्वीरें डराने वाली है। असम एवं बिहार में आई बाढ़ के कारण बुधवार को 6 लोगों की मौत हो गई। बाढ़ के कारण 55 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए। बिहार प्रदेश आपदा विभाग के मुताबिक राज्य में बाढ़ के कारण 3 और लोगों की मौत हो गई है। सभी 3 मौतें दरभंगा जिले में हुई है। इसी के साथ इससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। बाढ़ के कारण करीब 40 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बिहार प्रदेश के 12 जिलों के 1000 गांव में इस आपदा से प्रभावित हुए। इन जिलों में खतरा बरकरार। बिहार के इन जिलों में बाढ़ का कारण गंगा के अलावा लखनदेई, रातो, मरहा, मनुसमारा, बागमती, कमला बालन, अधवारा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कदाने, नून, वाया, सिकरहाना, लाल बेकिया, तिलावे, धनोती, मसान, कोसी एवं करह नदी के जलस्तर बढ़ना है। जल संसाधन विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक बागमती नदी सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा में बूढ़ी गंडक नदी मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर एवं खगड़िया में कमला बालन नदी, मधुबनी में गंगा नदी, भागलपुर में अदावरा नदी, सीतामढ़ी में खिगोरी, खिरोई, दरभंगा में और महानंदा नदी, पूर्णिया में मंगलवार को खतरे के निशान से ऊपर, हालांकि सभी तटबंध सुरक्षित है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई आईपीएल 2020 की अपनी योजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए तैयार है। रविवार को गवर्निंग काउंसिलिंग की मीटिंग में बोर्ड टेलीकॉन्फ्रेंस के माध्यम से फ्रेंचाइजी मालिकों, प्रायोजकों और प्रसारकों के साथ चर्चा करेगा। इस साल सितंबर से नवंबर तक 19 सितंबर से 8 नवंबर यूएई में प्रस्तावित आईपीएल टूर्नामेंट के लिए बीसीसीआई सभी फ्रेंचाइजी मालिकों को मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी भेजेगा, जिसमें कुछ प्रमुख मानदंड इस प्रकार हो सकते हैं। कम से कम शुरुआत में स्टेडियम के अंदर कोई दर्शक या फैन नहीं होगा। कमेंटेटर्स की बात करें तो स्टूडियो में वे एक दूसरे से 6 फीट दूर बैठेंगे। डगआउट में ज्यादा चहलकदमी नहीं होगी। ड्रेसिंग रूम्स में 15 से अधिक खिलाड़ी नहीं होंगे। मैच के बाद अवार्ड प्रेजेंटेशन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। साथ ही सभी खिलाड़ियों को दो हफ्तों में चार कोविड टेस्ट कराने होंगे। जुलाई 2017 में लागू हुआ था जीएसटी सिस्टम। केंद्र सरकार की वित्तीय हालत खराब है, राज्यों को मुआवजा देने के लिए पैसा नहीं है। अपनी शुरुआत से करीब 3 साल में ही एक देश एक टैक्स का बहुप्रचारित सिस्टम वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी गहरे संकट में फंस गया है।
केंद्र सरकार ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर यह स्वीकार किया है कि जीएसटी के तहत निर्धारित कानून के तहत राज्यों को हिस्सेदारी देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। जीएसटी सिस्टम 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। लॉकडाउन से पहले ही हालत खराब थी। गौरतलब है कि कोरोना संकट या लॉकडाउन से काफी पहले अगस्त 2019 में ही देश की आर्थिक हालत इतनी खस्ता थी कि जीएसटी कलेक्शन राज्यों को दिए जाने वाले हिस्से का आधा भी नहीं हो पाया था। ऐसी हालत में एक ही रास्ता दिख रहा था कि या तो कुछ वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाया जाए या छूट के दायरे में शामिल वस्तुओं को जीएसटी के तहत लाया जाए। अमेरिका में बच्चों को पढ़ाए जाएंगे महात्मा गांधी के विचार, यूएस कांग्रेस कमेटी प्रस्ताव पारित। अमेरिकी संसद की एक कमेटी ने बुधवार को एक अहम प्रस्ताव पास किया है जिसके तहत अमेरिका में महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर की विरासत को आगे बढ़ाया जाएगा और युवाओं में उनके संदेशों को सही तरीके से स्थापित किया जाएगा। हाल ही में अमेरिका की सिविल राइट्स आइकन जॉन लुइस का निधन हुआ है। इस मौके पर अमेरिकी संसदीय कमेटी की ओर से प्रस्ताव पास किया गया है। इस प्रस्ताव का समर्थन भारतीय मूल के अमेरिकी कांग्रेसमैन एमी बेरा ने भी किया है, जिसके बाद हाउस फॉरेन्स अफेयर्स कमेटी ने गांधी किंग एक्सचेंज एक्ट को मंजूरी दी जिसके तहत भारत और अमेरिका में महात्मा गांधी मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में अधिक पढ़ाया जाएगा। तो खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए नमस्ते राजस्थान न्यूज को। हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हमारे चैनल नमस्ते राजस्थान न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।